हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूं आज की एक इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल सी क्लास। इस क्लास के अंदर हम लोगों ने जो पिछली क्लास पढ़ी थी ना, हम लोगों ने इससे पिछला जो सेशन पढ़ा था वो हमने किया था, ये हिमालय के पार्ट पढ़े थे। हम लोगों ने ये कुमाऊँ हिमालय, पंजाब और कश्मीर हिमालय, ये सिक्किम या नेपाल दार्जिलिंग हिमालय, इनके बारे में बात की थी। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग बात करने वाले मेजर पासेस ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा सा सेशन है, बहुत आसानी से समझ में भी आएगा, लेकिन हाँ, इस सेशन को आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मतलब कुछ एक पार्ट ऐसे हैं, कुछ एक दर्रा ऐसे हैं जो आप लोगों को पता रहने चाहिए कि ये कहाँ पे हैं, क्योंकि इनका सवाल पेपर में आता ही ऐसे ही है। सीधा सवाल यही पूछा जाता है कि ये वाला दर्रा कौन से राज्य के अंदर है। जैसे अभी रिसेंटली एक पेपर पूछा आया था आपका, चंडीगढ़ में एनटीटी का एक पेपर हुआ था और उसमें एक क्वेश्चन यही सीधा ही पूछा गया था कि खारदुंगला दर्रा कहाँ पे है। तो लद्दाख में पड़ता है वैसे दर्रा। तो आप लोगों को बहुत आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, तसल्ली से आप लोग बसरते सुनते रहना। देखो, हम लोगों को इस क्लास के अंदर जो है ना डिस्कस करना है, किसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, इन अलग अलग दर्रा के बारे में। जैसे कि जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं वो कौन से, इनके बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे कौन से हैं, उत्तराखंड के हैं, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के हैं और सिक्किम के हैं, और कुछ बच गए हैं वो मिसलेनियस है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, बात करते हैं हम लोग। देखो जी, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहला दर्रा है बनिहाल दर्रा। बहुत पूछा जाता है पेपर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है ये बनिहाल दर्रा, ठीक है ना। अच्छा, पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये है इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे कि बनिहाल दर्रा जो, अच्छा बनिहाल पासिस है कहाँ पे, मैं आपको लोकेशन बताता हूँ। ये रहा एग्जैक्ट यहाँ पे है, ये वाला जो पास है ना, इसको बनिहाल पास कहते हैं आप लोग। इसी श्रीनगर, इसी को श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, मतलब ये गेटवे ऑफ श्रीनगर भी कहलाता है। जम्मू कश्मीर, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यही है, ठीक है ना। एक साइड जम्मू है, एक साइड श्रीनगर है, इनको आपस में कनेक्ट करने वाला जो है ना वो बनिहाल पास ही है। इसी में ज्वाहर सुरंग भी बनी हुई है, नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में जो नेशनल हाईवे 44 है, और वो नेशनल हाईवे 44 पे बनी हुई जिसका नाम ज्वाहर सुरंग है, वो भी बनिहाल पास या बनिहाल पास का ही एक हिस्सा कह लीजिएगा आप लोग। चेनानी नौसारी सुरंग या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग एशिया की सबसे लंबी जो आपकी बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल है ना, वो यहीं पे ही है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है, जर्नली जब भी कभी आपने नोटिस करना, किसी आप दर्रे की बात करते हैं, पासिस की बात करते हैं, तो एक सिंगल लेन का होता है वो, मतलब या तो जा सकते हैं या तो आ सकते हैं, मतलब एक सिंगल लेन का होगा। बाई का मतलब ये है, जैसे आपने फोर लेन वाला सुना हुआ ना, जाने का अलग है, आने का अलग है। ये एशिया की सबसे लंबी है चेनानी नौसारी सुरंग है, या इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जान रहे हैं हम लोग। पीर पंजाल आपसे दूसरे नंबर का दर्रा पूछा जाए तो जम्मू को श्रीनगर से ये भी कनेक्ट करता है, मतलब जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए बनिहाल पास भी है, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करने के लिए आपका पीर पंजाल पास भी है, याद रखना। खारदुंगला, ठीक है ना, खारदुंगला ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, अभी संडे को जो पेपर हुआ था उसमें एज इट इज़ यही क्वेश्चन आया था। खारदुंगला पास कहाँ पे, ये ले एंड सियाचिन ग्लेशियर के बीच में है। उसके पेपर में, उस पेपर में जो है ना वो ऑप्शन में लद्दाख ले ये नहीं था, उस पेपर में ऑप्शन में जम्मू कश्मीर था। आप नियर बाई ऑप्शन लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बुर्जिल पास है श्रीनगर से गिलगित। बहुत बार ये इस पेपर में ये भी सवाल पूछा गया है कि श्रीनगर को पाकिस्तान से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, बुर्जिल दर्रा है, क्योंकि ये गिलगित और बलूचिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, एक्चुअली भारत का ही है देखा जाए तो, लेकिन इसके इनके अकॉर्डिंग जो ना फिलहाल के लिए यही आती है बात कि इन्होंने पाकिस्तान ले रखा है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हिस्से में आती है बात ये बुर्जिल दर्रा। भारत से मध्य एशिया में प्रवेश के लिए भी प्रमुख दर्रा एक माना जाता है। एक है जोजिला पास आपका, ये नेशनल हाईवे 1 का हिस्सा है, जास्कर पर्वत श्रेणी जो है ना इसी जोजिला के अंदर आती है। तो पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, सबसे पहले आपके पास में इस वाली स्लाइड में आपने टोटल 5 दर्रा या 5 पासिस पढ़ी है, जिनमें से सबसे पहले आपने देखी है बनिहाल पास देखी है, बनिहाल के बाद में पीर पंजाल है, ये वाली पीर पंजाल है, उसके बाद में ये वाली पास जो है ना ये जोजिला पास है, इसके बाद में ये वाली पास जो है ना ये बुर्जिल पास है, और इसके बाद में ये वाली जो पास है ना ये खारदुंगला पास है, ठीक है ना, जो पेपर में पूछी भी गई है, लगभग पेपरों में इनके सवाल आते भी हैं।
सबसे पहला आपसे पूछा जाए बनिहाल, ये एक तो इनके सीधे ही सवाल आते हैं पेपर में, कौन से राज्य में है ज़्यादातर, तो ये डिटेल तो मैं आपको एक्स्ट्रा वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज तो आपको नॉलेज के लिए ही है, लेकिन ज़्यादातर सवाल तो आते ही हैं कि बताओ बनिहाल दर्रा किस राज्य में है, पीर पंजाल कहाँ पर है, खारदुंगला कहाँ पर है, बुरजिल कहाँ पर है, जोजिला कहाँ पर है, ये ज़्यादातर तो इनके दर्रा के नाम ही पूछे जाते हैं। फिर दूसरा हिस्सा ये आता है इनका कि जैसे पीर पंजाल जो है ना ये है क्या, तो पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है ये श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहलाता है, मतलब गेटवे ऑफ श्रीनगर कहलाता है ये वाला, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, जोहार सुरंग नेशनल हाईवे 44 इसी के ऊपर ही बनी हुई है, और इसके अलावा चेनानी नौसारी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है ना वो भी इसी के ऊपर ही बनी हुई है, याद रखना आप लोग, जो कि एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल बनी हुई है। दूसरा पीर पंजाल है, ये भी जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, खारदुंगला है ये ले और सियाचिन ग्लेशियर को आपस में कनेक्ट करने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, बुरजिल है ये बुरजिल दर्रा जो है ना इसको एक्चुअली आप लोग कहा करते हैं एशिया का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे ऑफ एशिया कहा करते हैं, जोजिला है इसमें जास्कर पर्वत श्रेणी आती है, तो आपको पेपर में पूछा जाए बनिहाल कहाँ पे है, पीर पंजाल कहाँ पे है, खारदुंगला कहाँ पे है या बुरजिल कहाँ पे है और के साथ साथ जोजिला कहाँ पे है, ये सारे के सारे दर्रा आपको पांचों याद रखने हैं, जम्मू एंड कश्मीर और के साथ में लद्दाख भी इंक्लूडेड कह दीजिएगा, क्योंकि खारदुंगला जो है ना ये लद्दाख का ही आता है आपका। उसके बाद में आता है हिमाचल प्रदेश के कौन से प्रमुख पासिस हैं आपके, यानी कि मेजर पासिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के जो बहुत प्रमुख पासिस है उनमें एक तो आता है कौन सा, बारालाचा दर्रा आता है, एक तो आता है आपका कौन सा, बारालाचा दर्रा आता है। अच्छा, बारालाचा दर्रा जो ना ये मनाली को लेह से कनेक्ट करता है, जास्कर रेंज इसी में ही है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, बारालाचा से चिनाब का उद्गम है, वाटर डिवाइड बिटवीन द बाघा एंड यूनान रिवर, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में वाटर डिवाइड भी ये करता है बारालाचा दर्रा, ये वाला दर्रा जो है ना ये बारालाचा दर्रा है, याद रखना आप लोग, तो आपको मेन याद रखना है चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, बारालाचा पासे से निकलती है, मनाली को लेह से, हालांकि यहाँ पे मनाली लेह के बीच में एक रोड भी बनाया हुआ है, एक रेलवे लाइन भी बिल्कुल बनाई गई है, दुनिया की सबसे ऊँची रेलवे लाइन है वो वाली, तो मनाली को लेह से जोड़ता है, जास्कर रेंज है, चिनाब नदी का उद्गम भी कहलाता है, और ये कहाँ से कौन से राज्य में पड़ता है, ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का दर्रा है ये। दो नंबर पे आता है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा जो है ना मनाली को ये भी लेह से जोड़ता है ये, ठीक है ना, के साथ साथ जो है ना यहाँ पे स्पीति वैली, लाहौल स्पीति वैली है ये भी कनेक्ट होती है इसे। रावी नदी कहाँ से निकलती है, रावी निकलती है रोहतांग पास से निकलती है, रोहतांग दर्रा से। धौलाधार पर्वत श्रेणी है वो भी इसी का ही हिस्सा है, और अटल सुरंग जो है ना यहाँ पे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुरंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सवाल पूछा भी जा सकता है, रोहतांग सुरंग भी कहते हैं उसको, अटल सुरंग भी उसको कहा करते हैं, अभी उसका मैं एक फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा, ये देखिएगा आप लोग, ये है अटल टनल। देखो पहले क्या होता था, ये मनाली ले हाईवे जो है ना इसको यहाँ से जाके और अगर इधर साउथ इस साइड आना होता था ना तो ये पूरा रास्ता जो है ना ये तय करना पड़ता था, ये कंप्लीट रास्ता होता था इस तरीके से, यहाँ पे आना पड़ता था, ठीक है ना, ये रास्ता था यहाँ पे, लेकिन जैसे ही क्या किया गया, ये रोहतांग टनल बनाएगी ऐसे पहाड़ों को काट के 9.2 किलोमीटर लगभग लंबी, और ये 10,000 फीट की ऊंचाई पे बनी है, दुनिया की सबसे लंबी टनल है लेंथ वाइज अगर बात की जाए। अच्छा, 10,000 प्लस अगर पूछ लिया जाए ना तो वो आपकी शिंकुला टनल है, अभी रिसेंटली 4.1 किलोमीटर लंबी बनी है, लेकिन ये 10,000 फीट की ऊँचाई पर 9.2 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे ऊँची टनल है। इसका उद्घाटन किया था 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अटल टनल इसका नाम है, तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पे है, लंबाई इसकी 9.2 किलोमीटर है, इसको बनाने में टोटल 10 साल का टाइम लगा, 10 साल में बनी है ये। आज यहाँ पे टूरिज़्म बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है क्योंकि लोग लगभग जाते हैं तो इसी टनल को देखते हैं, मतलब इस टनल के पार हो जाते हैं, यहाँ से समझो यहाँ से जाते हैं इधर आ जाते हैं, इधर से फिर इधर आ जाते हैं, ब्यास नदी देख लेते हैं, यही है तो देखने लायक यहाँ पे एक्चुअली। टनल से मनाली और लाहौल स्पीति घाटी 12 महीने जो है ना वो जुड़े रहेंगे। पहले क्या होता था कि ये वाला इलाका जो है ना इससे पूरा साल कनेक्ट नहीं होते थे, क्यों, क्योंकि जैसे और ऊपर जाते थे ना तो ये वाले हाईवे यहाँ ज़्यादा ऊपर जाते हो, जितना ऊपर जाते जाते हैं उतनी ज़्यादा बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, ज़्यादा बर्फ़बारी है तो मतलब रोड बिल्कुल जाम बंद हो जाते हैं, तो जाना आना यहाँ पे नहीं, गर्मियों के दिनों में ही लोग जा पाते थे, सर्दियों में तो ये पूरा बंद है, लेकिन अब ये टनल बन गई, इसका मतलब है यहाँ से तो आप आराम से जा सकते हो, तो इसका मतलब है टनल से
मनाली और लाहौल स्पीति घाटी है, सारा साल आपस में कनेक्ट हो सकती है। ये हिमालय की पीर पंजाल पर्वत रेंज में रोहतांग पास के नीचे लेह मनाली हाईवे इसी पे बनाया गया है और इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 40 किलोमीटर कम भी होगी, क्योंकि आप यहाँ से जाओगे तो ये इतना रास्ता तय करना पड़ता था और पर्वतों में 40 किलोमीटर बहुत टफ हो जाता है चक्कर काटना लगभग। और अब इसमें 40 किलोमीटर के साथ साथ 4 घंटे लगते थे, क्योंकि पहाड़ों में आप कहोगे सर 40 किलोमीटर 40 मिनट में तय कर दे, नहीं, ये पहाड़ों का रास्ता है ना, तो इसमें 4 घंटे का समय लगता था, अब वो सारा टाइम रिड्यूस हो गया है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल यकीनन बनने की पॉसिबिलिटी भी रहती है, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना शिपकिल्ला पास, शिमला टू तिब्बत जो है ना, ये जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है और ये सतलज नदी इसी से ही इंडिया के अंदर एंटर करती है शिपकिल्ला पास, ये है शिपकिल्ला पास, सतलज नदी यहाँ से ही आती है और ये भारत का सबसे बड़ा पास है किसके मामले में, बिजनेस करने के मामले में, बिजनेस मतलब जो है ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा बिजनेस करने के मामले में ये वाला पास सबसे बड़ा पास है इंडिया का, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है, उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में एक लिपू लेक पास है आपका, ठीक है ना। लिपू लेक को तो थोड़े दिन पहले नेपाल ने अपने मैप में शामिल करवाया था कि ये तो हमारा ही हिस्सा है, उन्होंने अपने मैप के अंदर जो है ना बताया था लिपू लेक को। पिथौरागढ़ और के साथ में तकलाकोट तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है, कैलाश यात्रा यहाँ पर हो सकती है और नीति भी आता है उत्तराखंड और तिब्बत और कैलाश यात्रा भी माना है, उत्तराखंड और तिब्बत और कैलाश यात्रा यहाँ से भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है ना। इसके बाद में सिक्किम के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा हैं, सिक्किम के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जिसमें आपका आता है जेलपला जो तिब्बत और भारत को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा लेपचा जनजाति यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा जो ग्रेटर हिमालय और तीस्ता नदी का द्वारा जो मार्ग बना हुआ है ना वो यही है, रेशम मार्ग के नाम से भी इसको जानते हैं जेलपला को, ठीक है। 1962 में इसको बंद कर दिया लेकिन 2006 में जो है ना इसको दोबारा से ओपन कर दिया, ये वाला है जेलपला, यहाँ पर पड़ता है आपका और इसी के अंदर ही एक नाथुला और है, यहाँ यहीं पे ही नाथुला भी है। तो भारत और के साथ में जो तिब्बत है ना इनके आपस में कनेक्ट करने के लिए एक्चुअली मानसरोवर की यात्रा इस रास्ते से भी होती है और सबसे लंबा रास्ता एक्चुअली यही है मानसरोवर का। सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ने के लिए ये इलाका या ये वाला जो एक्चुअली आपका दर्रा है वो आता है और कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी इसी वाले प्रमुख दर्रे से होती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के कौन से फेमस जो बहुत ही फेमस दर्रा हैं आपके या बहुत ही फेमस आपके कह सकते हो पासिस हैं, उनमें सबसे पहले आता है बूमला दर्रा, ठीक है ना, जो अरुणाचल प्रदेश को भूटान से कनेक्ट करता है। एक आता है बूमडिल्ला दर्रा जो तवांग अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से कनेक्ट करता है। एक है यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा जो है ना ये भारत और चीन को आपस में कनेक्ट करता है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना यहीं से कनेक्ट इंडिया के अंदर भी एंटर करती है, तो ये कह सकते हो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार या ब्रह्मपुत्र का गेटवे भी कहलाता है ये। भारत को म्यांमार से जोड़ने वाले दर्रे जो है ना, एक तो दीफू दर्रा है मांडले शहर को कनेक्ट करता है, एक है पांगसाट दर्रा, एक है लिखा पानी दर्रा, वो लिखा पानी वो लिपू लेक था पिछले वाला, ये लिखा पानी दर्रा है। एक तुजू दर्रा है ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, मतलब भारत को म्यांमार से कनेक्ट करने वाले आपके पास में लगभग ये 3-4 दर्रा हैं जो ज़रूर याद रखनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट दर्रा है इंडिया के रिगार्डिंग, जैसे कि एक तो आता है आपका कौन सा खैबर दर्रा खैबर पास, ये कई बार एग्जाम में आता है, सबसे पहले भारत के अंदर विदेशी खैबर दर्रा के थ्रू ही एंटर किए थे, सबसे पहला मतलब विदेशी जो एंट्री है ना वो खैबर पास से ही हुई है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट किया जा सकता है, मतलब आप इसी रास्ते से पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है ना वो जाए जा सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से निकलोगे इंडिया पर्सपेक्टिव और यहाँ से निकलते हुए इस तरीके से आप लोग जा सकते हैं इनमें। अच्छा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंसेंट सिल्क रूट, यहाँ से पहले किसी ज़माने में जब पूरा भारत ये इकट्ठा या अफगानिस्तान पाकिस्तान जब भारत का ही था तो रेशम का व्यापार जो है ना यहाँ से हुआ करता था इस रास्ते से। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो हिस्टोरिक के अंदर सेंट्रल एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और वाइटल स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पॉइंट के व्यू से, या कह सकते हो मैंने कहा ना सबसे पहले जो भारत के अंदर लुटेरे जो आए थे ना वो इसी रास्ते से ही आए थे, तो खैबर दर्रा से सबसे पहले भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे, ये याद रखना आप लोग। एक पास और भी है जिसका नाम है आपका बोलन पास है, ठीक है ना, ये बोलन पास है ये वाला।
इसके अंदर आप लोगों को बस एक छोटी सी चीज़ ही याद रखनी है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ इसके अंदर नहीं याद रखनी है, ठीक है ना। क्या कि मेहरगढ़ इज़ लोकेटेड नियर द बोलन पास, एक हिस्टोरिकल साइट है मेहरगढ़, वो इस बोलन के पास में ही है। ये आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो उसके अंदर मेहरगढ़ पढ़ोगे, मेहरगढ़ बोलन पास के पास ही पड़ती है। एक ही चीज़ याद कर लेना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से वैसे बोलन रिवर भी निकलती है और के साथ में जो है ना यहाँ पे कुछ रेंज वगैरह भी है, पर उतना नीडी नहीं है। आप मेहरगढ़ एक याद कर लेना, बहुत है बस वो आपका, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद में घाटियाँ तो बाद में पढ़ना, एक साथ में इतना चीज़ें याद नहीं हो पाएगी, इतना आप लोग याद करना, क्योंकि ये चीज़ें लिख लिख के याद करने वाली ही है सारी। सारे दर्रा आप लोग याद कर देना आज की क्लास के अंदर। एक तो बनिहाल दर्रा कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर का हो गया। खारदुंगला जो है ना ये लद्दाख का हो गया। बुर्जिल जो है ना ये भी, ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर का हो गया आपका। जोजिला जो है ना ये भी आपका जम्मू कश्मीर का हो गया। जोजिला में जासपर पर्वत है। बुर्जिल जो है ना पाकिस्तान से कनेक्ट होता है। पीर पंजाल जो है ना जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और बनिहाल भी जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद में बारालाचा है, ये हिमाचल का है। रोहतांग हिमाचल का है और शिपकिला हिमाचल का है। इसमें बारालाचा के, रोहतांग के अंदर याद रखना अटल टनल भी बताई, जो दुनिया की सबसे लंबी टनल है, 9.2 किलोमीटर लंबी है। इसके बनने से 40 किलोमीटर रास्ता कम हो गया और पूरा जो आपका इलाका है या लाहौल स्पीति वाला इलाका मनाली से लगभग पूरे साल कनेक्ट रहता है इसी की वजह से ही। उत्तराखंड के अंदर लिपू लेक दर्रा याद कर लेना, नीति और के साथ साथ माना, ये दर्रा याद करना है उत्तराखंड के। सिक्किम में जो है ना एक याद रखना है जेलपला और के साथ में नाथुला, दोनों दर्रा आपके सिक्किम के ही हैं। अरुणाचल प्रदेश में बुमला आता है, बुमला के साथ में बुमडिला आता है। इसके अलावा यांगयाप आता है। इसके अलावा भारत को जोड़ने वाला दिफू दर्रा, ये भारत चाइना और म्यांमार तीनों के पॉइंट पे आता है आपका दिफू दर्रा, ठीक है ना। यहाँ ईस्ट कॉर्नर के ऊपर ये वाला कनेक्ट होता है ये, ठीक है। और एक खैबर है, इससे सबसे पहले भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे, ये भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। बोलन पास में, बोलन पास के पास में मेहरगढ़ पड़ता है, ठीक है। चलो आज के सेशन को यहीं पे रोक लेते हैं, अगली क्लास को हम लोग लेके आएंगे जिसके अंदर आप लोगों को सारी घाटियाँ एक साथ में जो है ना पढ़ाने की कोशिश करेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं, फिर ये चोटियाँ वगैरह रिवाइज हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। चलो सर जी, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।